हेलो एवरीवन, हमने पहले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि मोशन होता क्या है, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और स्केलर वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। एक्सेलरेशन पे हमने एंड करा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी माइनस यू बाई टी होता है। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो सब ये हैं। पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ए एस। एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग हमेशा ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन किस टाइम पे लगाया जाए क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगाया जाए इन तीनों में से, तो एक बार देख लेते हैं। पहली इक्वेशन जो है वो हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और t है टाइम, a है एक्सीलरेशन, और s का फॉर्मूला होता है s is equal to ut plus half et square। s यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। कभी का एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो s है यहां पर डिस्टेंस बताता है या डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये हमने उस वाले डेरिवेशन में करा है ग्राफिकल मेथड में, तो उसमें ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज नॉट डिस्टेंस। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम डिस्टेंस ले सकते हैं इसको, ये चीज याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो आती है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ए एस। यहाँ पर देखिए जो v, u और t, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो अगर तुम, आपको डिस्टेंस नहीं निकालना हो, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी हो, या फिर एक्सेलरेशन निकालना हो, और आपको टाइम दे रखा है या टाइम निकालना हो, जब ये तीनों चीजें दे रखी है, तब यूज दिस इक्वेशन। क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो जनरली वी यू, देखो टी तो टी यहाँ पे नहीं है, वी यू और ए और टी की है जनरली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, यहाँ पे s है, s है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s है डिस्प्लेसमेंट, u है अगेन इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन। अगर कहीं आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालनी है और आपको ये निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना है, और u हमें a गिवन है, टाइम गिवन है, u गिवन है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे v नहीं है, तो अगर आपके आपके पास v नहीं है और आपके पास s, u, t या फिर a है, तो यूज दिस इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, t नहीं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे v square minus u square equal to as। ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, और कभी कभी कंफ्यूज भी कर देते हैं बच्चों को, कि हम सोचते हैं कि टाइम नहीं गिवन है तो कौन सी इक्वेशन लगाए, तो यूज दिस वाली, ये वाली इक्वेशन यूज कीजिएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू ए एस, जिसमें a एक्सेलरेशन, अगेन s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कह सकते हैं, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ये तीन इक्वेशंस हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। और ये तीनों इक्वेशन तभी लगाई जाती हैं जब जनरली हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही हो और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, तब हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी या फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी या डिस्प्लेसमेंट या टाइम के बीच में हम रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन की, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है और टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि जनरली क्या है, फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन फ्री फॉल का मतलब ये नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी में आ रहा है। जैसे मैंने इस मार्को को फेंका, और मार्को को मैंने जब फेंका तो ये मार्को ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसके ऊपर सिर्फ कौन सी फोर्स, कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो अर्थ लगाती है उसको खींचने में लगाती है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जनरली जो डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और ये जो जी होता है, ये एक तरीके से तुम ये मत समझना कि ये जी जनरली डिपेंड करता है कि नेगेटिव कौन सी एक्सेस ले रहे हैं हम या पॉजिटिव कौन सी ले रहे हैं। और इस जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। जुपिटर पे जनरली बहुत ज्यादा हो जाती है, जुपिटर वगैरह पे, और मून पर कितनी होती है, तो मून पर जो होती है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ। तो इसका मतलब जो वेट होता है मून पे वो 1/6 होता है वेट। अगर मान लो हमारे पास 36 न्यूटन है वेट, तो मून पे कितना हो जाएगा, 36 इंटू 1/6, तो 6 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट कुछ नहीं होता, वेट का फॉर्मूला एक होता है m इंटू जी, जिसमें वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है,
मास स्केलर है और जी जो होता है वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डब्ल्यू वेट, एम मास, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल में जरूरी नहीं होता है कि बॉडी गिर रही है, अगर बॉडी ऊपर की तरफ भी जा रही है और सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम में आ रही है तब ये फ्री फॉल है। तो जनरली क्या है, हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मान लो सपोज बॉडी नीचे तरफ गिर रही है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब हो गया अगर मैंने डाउनवर्ड्स की तरफ गिर रही है और मैंने ये चीज मानी, अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो मैंने ये माना कि नीचे वाली सब चीजें क्या होती हैं, जो नंबर लाइन में हम प्लॉट करते हैं, तो नीचे वाली सब चीजें हमने मानी नेगेटिव है, ऊपर वाली सब चीजें कैसी होती हैं, पॉजिटिव, ये वाली सब चीजें क्या है, पॉजिटिव, और ये वाली चीज सब नेगेटिव। तो नंबर लाइन के हिसाब से चलते हैं, अगर डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं तो डाउनवर्ड्स में ये याद रखिएगा कि ये जो वी है, ये यू है और ये ए है, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट टी। टी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी टाइम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर जी की बात करें तो सिर्फ इनके साइंस चेंज होंगे, टाइम का साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो टाइम स्केलर क्वांटिटी, टाइम एक स्केलर है इसलिए टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटीज, बट वी यू एंड ए आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास अगर नीचे तो हमने सबको नेगेटिव मान लिया कि नीचे वाली सब वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वी की जगह पे माइनस वी आ जाएगा, U की जगह पे माइनस यू आ जाएगा, और A की जगह पर आएगा, एक्सीलरेशन की जगह पे आएगा माइनस जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस जी इंटू टी। अब ये एक्सीलरेशन वॉल एक्सीलरेशन नहीं था, अब ये अर्थ जिस एक्सीलरेशन से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है वॉल एक्सीलरेशन बन गया, इसलिए यहाँ पे A की जगह पे G आ गया। अब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे U प्लस जी टी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। V इक्वल टू यू प्लस जी टी कब हुआ, जब बॉडी कैसे मूव कर रही हो, डाउनवर्ड्स। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी, h में लगाते हैं हम, s हमारी इक्वेशन थी, हमारे पास था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पे h आ जाएगा क्योंकि s तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर अगर मैंने इस मार्को को फेंका तो फेंकने के लिए इस हाइट पे गया और दोबारा उसी हाइट, मतलब यहाँ पे गया फिर वापस आ रहा है, वो तो छोड़िए, यहाँ पे ये इसी हाइट पे कवर कर रहा है, तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस की जगह पे आ जाएगा एच, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह पे आ जाएगा जी टी स्क्वायर। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर भी हमारे पास ये चीज है कि नीचे की तरफ सब डायरेक्शन हमने क्या मानी है, नेगेटिव, नीचे वाली सब नेगेटिव है, तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो नेगेटिव हो रही है, और वो क्वांटिटीज कुछ और नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो एस की जगह पे हम ले सकते हैं माइनस एस, या एच लिख सकते हैं माइनस एच, यू की जगह पे माइनस यू, टाइम पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि ए की जगह पे जी आ गया और जी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वी हैव टेकन नेगेटिव साइन फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर ए की जगह पे माइनस जी आ गया, यहाँ पे टी का स्क्वायर। अब माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो ये आ गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो एच का फॉर्मूला आ गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के लिए ये बनता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी एच, अगर बॉडी नीचे जा रही है, इसकी इसको भी समझा देता हूँ मैं एक बार, इसमें कैसे हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस होता है। अगर मैंने कहा कि नीचे की तरफ जा रही हो तो ये वाला नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर करोगे अगेन पॉजिटिव होगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे टू, a की जगह पे माइनस जी और s की जगह पे माइनस एच, तो ये क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया टू जी एच, तो v square minus u square अगर 2gh, अगर बॉडी कहाँ जा रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो। सिमिलरली अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो, तो अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अगर मैंने इस मार्को को ऊपर की तरफ फेंका, तो अब तुम आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा प्लस g, क्योंकि हमने नीचे वाले को नेगेटिव माना है और ऊपर वाले को क्या माना है, हमने पॉजिटिव, तो अगर मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये जी सही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर देखिए, अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो यहाँ पे v, v कहाँ पर आया, v कहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ये बॉडी, अगर मान लो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो अर्थ जिस चीज को खींचेगी वो हमेशा नीचे तरफ ही खींचेगी,
ऐसा तो नहीं है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी तरफ लग रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो हमेशा इस बॉडी को नीचे तक खींच रही है। तो इस केस में ये जो ऊपर वाली क्वांटिटीज हैं v u और h, ये सब तो वैसे रहेंगे, ये सब कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से फेंका, ये हाइट थी तो यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका तो ये ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर ये सब क्वांटिटीज तो ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हमेशा कैसा है, नीचे तरफ लग रहा है, तो वो उसकी डायरेक्शन का है नीचे की तरफ, और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उस पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी बनेगी v इक्वल टू यू प्लस at होता है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस gt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस g, g हमेशा कहाँ लगा होगा, नीचे की तरफ। सिमिलरली h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और उसी तरीके से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। ये सब कब, जब बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, जरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, वेलोसिटी जो है वो 98 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ, और कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें। पहली बात, जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी दे रखी है 98 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। रीजन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है, जब इस मार्को को मैं फेंकूंगा तो उस केस में 90 मीटर पर सेकंड से फेंका, ऊपर जाके रुक जाएगा, रुकने का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पर हम, हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ऊपर की तरफ, तो माइनस 2gh, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि बॉडी रुक जाएगी, तो v की वैल्यू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, u कितना था 98, तो 98 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, g की जगह पे 9.8 और h एज इट इज, तो यहां पर कितना आ गया, माइनस 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटू 9.8, तो h आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, 98 से 98 कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, तो कितना आ गया h, 490 तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो h आ गया u स्क्वायर बाय 2g। ये कब आया, जब हाइट हमारी कैसी हो, मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर बाय 2g एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्ट है, वो है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम कितना लग रहा है ऊपर जाने में, हमारे पास ऊपर जाने में टाइम, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाएंगे, अगेन माइनस का साइन ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो u माइनस जी टी, तो हमारे पास क्या आया, u इज इक्वल टू जी टी, या फिर टाइम इज इक्वल टू u बाई जी। u कितना था, u हमारे पास यहाँ पर 98 था, तो 98 डिवाइड बाय 9.8, पॉइंट हटा ऊपर 10 लगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 10 seconds। तो दैट फॉर्मूला है, और इस टाइम को हम कुछ नहीं कहते, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर जाना, और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 40 मीटर्स, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द फ्लोर। दोबारा से, एक पार्टिकल है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है टॉप ऑफ बिल्डिंग से, हाइट हमने 40 मीटर्स रखी हुई है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, और हमें टाइम निकालना है कि कब वो फ्लोर पे आ जाए, और हमें इसमें जी लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम तो कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक हाइट गिवन है, हाइट कितनी है 40 मीटर्स, ये हमारे पास हाइट गिवन है, और हमें यहाँ पे एक चीज और गिवन है यू, और बॉडी को हमने कहाँ फेंका है, ऊपर की तरफ, मतलब मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली हाइट थी यहां से पे मैं गया, ठीक है, ये हाइट थी, ये 40 मीटर्स मान लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, यहां से मैंने इस चीज को ऊपर की तरफ फेंका, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस लाइन हो गई, मतलब क्या हुआ ये रेफरेंस लाइन का, कि नीचे वाली सब चीजों को मैंने क्या माना था, नेगेटिव,
और ऊपर वाली सब चीजों का पॉजिटिव, तो ये सब नेगेटिव और यहाँ से जो भी उछालूंगा वो चीज वो सब पॉजिटिव। तो ये रेफरेंस लाइन है, तो इसका मतलब अगर इस मार्कर को मैं फेंकूंगा तो उपग्रह फेंकूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव होगी क्योंकि उपग्रह जा रहा है मार्कर। लेकिन जो हाइट होगी, जिसमें हाइट हमारे पास लिखी हुई है कि 40 मीटर्स है, तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो नीचे तरफ आ रही है, तो ये नीचे की तरफ रेफरेंस लाइन से नीचे तरफ चला, इसकी इसका इसकी इसके ऊपर साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव लगेगा इसके ऊपर यहाँ पे साइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास h इज इक्वल टू 40 मीटर्स है, तो हमारे पास h यहाँ पे 40 मीटर्स नेगेटिव में, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन थी, यहाँ से इसको उछाला गया है और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पर u 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद वो दोबारा से फ्लोर पे आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, h का साइन यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि रेफरेंस लाइन ये वाली थी और यहाँ पे सब चीजें कैसी होती है, नेगेटिव, ऊपर वाली सब चीजें कैसी है, पॉजिटिव। वेक्टर साइन के ही साइन चेंज होंगे, स्केलर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे h माइनस 40, u कितना है 10, टाइम कितना है t, 10 के आगे पॉजिटिव लगा क्योंकि ये रेफरेंस लाइन थी और ये ओरिजिन था, ओरिजिन से ऊपर वाली सब चीजें पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस हाफ, माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, यहाँ पर बॉडी कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, जी हमेशा कहाँ खींचेगा उसे, नेगेटिव नीचे की तरफ खींचेगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर जी कितना लगा, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस 40 इज इक्वल टू 10 टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, माइनस 40 इज इक्वल टू 10 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, इसको धले जाओ तो 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 टी, टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 किसका होगा, 4 टू 8 होता है, तो 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, तो t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, तो t माइनस 4 इक्वल टू 0, टी प्लस 2 और टी माइनस 4 इक्वल टू 0 आया, टी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होती, टाइम बस नेगेटिव हो गया, वो तो लव स्टोरी 2058 नहीं मूवी पकवासी, उसमें भी तो ये था कि वो क्या, वो कौन सी मशीन बनाई थी, वो टाइम मशीन, उसमें भी नेगेटिव कैसे लेता, नहीं ले सकता था वो भी नेगेटिव, तो टी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, टी इक्वल टू माइनस 2 विच इज नॉट पॉसिबल, और टी की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेकेंड्स, तो टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स के अंदर दोबारा से वो स्ट्राइक करेंगे कहाँ पर, ग्राउंड पर, फ्लोर पर मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके का है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकदम सेम है, लेकिन अब की बार डाउनवर्ड्स में फेंका है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, अब क्या हुआ कि यहाँ पे बिल्डिंग थी और यहीं से फेंका गया है, और जब यहीं से फेंका गया है और एक चीज हमने ऑल यूज करी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, हमें टाइम निकालना है, सेम वैसे ही करना है, बस साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे और तुम्हारा टाइम आ जाएगा, डू इट एट योर होम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन में जनरली क्या है, जैसे सपोज मैंने ये कहा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट पाथ में या ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो सर्कल की तो कोई वैसे डायरेक्शन तो है नहीं, तो अगर पार्टिकल मान लो सपोज यहाँ पर आ गया पार्टिकल, तो यहाँ पर पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कभी भी सर्कल में तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट डायरेक्शन बताया कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो यहाँ जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, ये डायरेक्शन हो गई आपकी वेस्ट। सिमिलरली जब वो पार्टिकल यहाँ पर आया तो वो कैसे मूव कर रहा है, साउथ की तरफ, और अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उसके रूट हैं, कभी नॉर्थ में जा रहा है, कभी वेस्ट में जा रहा है, यहाँ पे आया तो साउथ, यहाँ पे ईस्ट में जा रहा है, यहाँ पे हर जगह पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ये मोशन कैसे है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, क्योंकि अगर स्पीड, अगर 40 किलोमीटर पर आ की स्पीड से जा रहा है तो 40 किलोमीटर पर आ थ्रू आउट जा रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे स्पीड तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट है, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सीलरेटेड मोशन हुआ, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये
कि यहाँ पर जब पूरा पाथ वो कवर करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है, सर्कमफ्रेंस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और स्पीड का फॉर्मूला भी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और वी क्या है, वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन जो भी है। यहाँ पे हमने लिखा है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई आर बाय टी, इसमें पाई तुम्हारे पास 22/7 होता है, और टाइम जो है वो हमेशा किसमें होगा, सेकंड्स में, वेलोसिटी किसमें होगी, मीटर पर सेकंड में, और रेडियस मीटर्स में, ऐसे यूनिट में रखते हैं जनरली, स्मॉल टी भी यूज कर सकते हैं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो वो एक्सीलरेटेड होगा, हाँ होगा, क्योंकि रीजन क्या था कि हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में भी इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रिटार्डेशन के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर्स बिफोर स्टॉपिंग, हाउ लॉन्ग वर द ब्रेक्स अप्लाइड, कितने टाइम तक ब्रेक्स लगे थे, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ये भी हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वाला नेगेटिव, तो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, तो s गिवन है 16 मीटर्स, और बिफोर स्टॉपिंग हाउ लॉन्ग, स्टॉपिंग स्टॉप हो गई है बाद में जाके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई द कार कवर्स, हाउ लॉन्ग वर द ब्रेक्स अप्लाइड, हाउ लॉन्ग, तो टाइम निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे इस वाले में, इस वाले में हमारे पास एक चीज और गिवन नहीं है, हाउ लॉन्ग वर द ब्रेक्स अप्लाइड, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as, ये वाला फॉर्मूला आता है हमारे पास, और इस केस में हमारे पास v स्क्वायर ये तो जीरो हो गया, ठीक है, माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमारे पास -0.5 थी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 16 था, तो ये कितना आ गया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू कितना आ गया बेटा, 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर यू 4 मीटर पर सेकंड आ गया तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का, टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, तो v कितना है हमारे पास 0, और u कितना है 4, और एक्सीलरेशन कितना हो गया -0.5, तो ये आ गया टाइम -4/0.5, पॉइंट हटा ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया 8 सेकंड्स, टाइम आ गया 8 सेकंड्स। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत वो था कि v इसका मैंने यूज करके 2s का दिया, फाइनल वेलोसिटी जीरो करी क्योंकि स्टॉप हो गई थी, बाद में जाके u निकाला 4 मीटर पर सेकंड, अगेन हमने v को u + at यूज करा फर्स्ट फॉर्मूले में, तो टाइम निकाल के हमारे पास 8 सेकंड। आज हमने ये पढ़ा इसके अंदर कि न्यूमेरिकल्स देखे हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने तीन इक्वेशंस देखी, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस half at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, और हमने फ्री फॉल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा घर पर भी बैठ के कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली NTSE वगैरह में फ्री फॉल के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं काफी सही, तो उसको एक बार ट्राई कीजिए, कोई अगर प्रॉब्लम आए कभी भी आए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर्स भेज दूं। थैंक्स अ लॉट।